शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शीतला व्रत में सुनी जाने वाली कहानियाँ। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो शीतला माते की जय। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज चलकर पृथ्वी पर देखूं कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में ना ही तो मेरा मंदिर है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता उस गांव की गलियों में घूम ही रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी, जिसे कि मांड बोलते हैं, वह नीचे फेंका और वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर आकर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी कि छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता इधर उधर दौड़ती रही और चिल्लाने लगी कि मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो, मेरा शरीर जल रहा है। लेकिन उस गाँव में से किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं थोड़ी ही दूर पर घर के बाहर एक कुम्हार महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है और पूरे शरीर में फफोले पड़ रहे हैं, यह ताप कैसे सहन कर रही है, यह बूढ़ी माई इतना ताप कैसे सहन कर रही है। ऐसा सोचकर उस कुम्हारिन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ पर आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। फिर कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही रबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारी ने कहा कि बूढ़ी माई, इधर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं इनकी चोटी बनाकर गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन बूढ़ी माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारिन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। वह देखकर कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता अपने चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए असली रूप में प्रकट हुई। माता के दर्शन करके कुमारी सोचने लगी कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, माता को कहाँ बिठाऊँ। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारी ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ, न तो कोई चौकी है और न ही बैठने को आसन है। तब शीतला माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और शीतला माता ने उस कुम्हारिन के घर खड़े हुए एक गधे पर स्वयं बैठ गई और अपने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लिया, वह उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भर लिया और उसको दूर फेंक दिया। और फिर माता ने उस कुम्हारिन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तू जो भी वरदान मांगती है मुझसे मांग ले, तेरे घर की दरिद्रता को मैंने भगा दिया है। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं पर रहे, जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी या फिर अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे और अष्टमी या सप्तमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी या ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना व आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग देना, उसकी गोद हमेशा ही भरी रखना, साथ ही जो भी पुरुष शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ पर बाल न कटवाए, धोबी को पुराने कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी स्वयं आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल इत्यादि चढ़ाकर परिवार के सहित ठंडा व बासी भोजन करे,
उसके काम धंधे व व्यापार में कभी भी दरिद्रता नहीं आए। तब माता शीतला बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो कुछ तूने वरदान मांगे हैं मैं वह सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर कुम्हार जाति को होगा। उस दिन के बाद से शीतला माता की उसी गांव में स्थापना हुई और तब से ही शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी के दिन माता की पूजा की जाती है। बोलो श्री शीतला माता की जय। अब आप सुनिए शीतला माता की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के दो बेटे और दो बहुएं थी। दोनों ही बहुओं को बड़े लंबे समय के बाद बेटे हुए। बेटे होने के कुछ दिनों के बाद ही शीतला माता का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ही ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेगी तो बीमार हो जाएंगी, हमारे तो बच्चे भी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने जब पशुओं का खाना तैयार किया तब गुपचुप तरीके से अपने लिए भी दो बाटी तैयार कर ली। सास और बहू शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए वहीं पर बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर पर आ गई। घर पर आकर उन्होंने बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा बनाया और पेट भरकर खा लिया। सास ने जब घर पर आकर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुओं ने ठंडा भोजन थोड़ा बहुत ही खाया और उसको वैसा ही छोड़कर अपने घर के काम में लग गई। सास ने कहा कि दोनों बच्चे कब से सोए हुए हैं, उनको जाकर लेकर आओ। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उनको मरे हुए पाया। बच्चों को मरा हुआ देखकर दोनों बहुएं बहुत ही दुखी हुई क्योंकि शीतला माता का उन पर प्रकोप हुआ था। सास ने जब सारी बात जानी तो सास बहुओं से झगड़ने लगी और सास ने कहा कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, अब तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ और जब तक बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर नहीं आओ घर में पैर नहीं रखना। यदि तुम बच्चों को स्वस्थ नहीं कर सको तो घर में वापस नहीं आओगी। दोनों बहुएं दुखी होती हुई शीतला माता को याद करती हुई अपने मरे हुए बेटों को टोकरों में सुला सुला कर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते समय रास्ते में एक बहुत ही पुराना वृक्ष आया। यह वृक्ष खेजड़ी का था। इसके नीचे ओरा माता और शीतला माता दोनों ही बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में बहुत अधिक जू थी। बहुओं ने जब थकान का अनुभव किया तो दोनों बहुएं ओरा और शीतला माता के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरा के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरा देवी और शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि हे माता, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु हमें शीतला माता के दर्शन नहीं हो पाए हैं। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। तुमने शीतला माता के व्रत के दिन ठंडा भोजन करने की बजाय गर्म भोजन किया है। ऐसा सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों देवरानी जेठानी ने माताओं से बहुत प्रकार से प्रार्थना की। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे माता, हम तो भोली भाली है, अनजाने में ही हमने गरम खा लिया था, हम दोनों आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। हे माता, आप हम दोनों को क्षमा करें, हम फिर से ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेंगी। उनके इस प्रकार के पश्चाताप भरे वचन सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। फिर दोनों बहुए अपने जीवित बच्चों को साथ लेकर आनंद से गांव में लौट आई। गांव के लोगों को जब पता चला कि दोनों बहुओं ने साक्षात शीतला माता के दर्शन किए हैं तब गांव में उनका धूमधाम से स्वागत किया गया और बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएगी और चैत्र के महीने में शीतला माता का व्रत रखकर ठंडी खाना ही खाएंगी।
शीतला माता ने बहुओं पर जैसी कृपा की है, हे माता, वैसी ही हम सभी पर करना। बोलो श्री शीतला माता की जय। हे शीतला माता, हम सबको सदा ही शांति, शीतलता और आरोग्यता देना। अब आप सुनिए शीतला माता की अगली कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य के राजा का एक ही बेटा था। उसके चेचक यानी कि शीतला निकली। उस राज्य के एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली हुई थी। वह परिवार माँ भगवती की पूजा करता था। उस परिवार ने शीतला के समय जिन भी नियमों का पालन किया जाता था, उन सब का ध्यान रखा और अपने घर में बिना छोक के सब्जी बनाई, बिना भुने हुए और बिना तले हुए खाने, साथ ही बिना नमक के खानों को बनाया। घर में सभी लोग ठंडा ही खाना खाते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे उनका बेटा पूर्णतः स्वस्थ हो गया। दूसरी ओर राजा के बेटे का रोग ठीक ही नहीं हो रहा था। राजा ने शतचंडी का पाठ शुरू करवाया। रोज गरम गरम स्वादिष्ट भोजन बनाते थे। भुने हुए तले हुए भोजन को खाया जाता, मांस भी बनाया जाता। राजा के बेटे को जब उन सब की खुशबू आती तो वह भी खाने की जिद करता। घर में जो भी खाना बनता था वही राजा के बेटे को भी खिलाया जाता और उसकी सभी मांगे पूरी कर दी जाती। इन सब के कारण राजा के बेटे के शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए। उसमें खुजली और जलन होने लगी। जो उपाय किया जाता उसका कोई असर नहीं होता। शीतला माता का प्रकोप और बढ़ गया था। इन सब से राजा बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि आखिर इतने उपाय करने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। तब राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह तो कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया है। तब राजा ने सोचा कि वह तो माता की इतनी सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रकोप कम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा बेटा स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है। राजा ये सब बातें सोचते सोचते उस रात्रि को सो गया। उस रात्रि उसके सपने में ही शीतला माता ने दर्शन दिए और राजा से कहा कि हे राजा, मैं तुम्हारी सेवा और पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुमने नियमों को तोड़ा है, इस वजह से तुम्हें प्रकोप भुगतना पड़ रहा है। यदि तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना छोक के सब्जी खाओ और खाने में तेल का प्रयोग नहीं करो और सभी लोग ठंडा भोजन करो, तो तुम्हारा बेटा अवश्य ही ठीक हो जाएगा। शीतला माता राजा को ऐसा कहकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। फिर अगले दिन राजा ने वैसा ही किया। राजा ने तला भुंदा खाना, नमक और ताजा खाना सब बंद कर दिया और अपने बेटे के पास ज़्यादा लोगों को जाने नहीं दिया। ऐसा करने से उसका बेटा शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। हे शीतला माता, जैसी आपने राजा के बेटे पर कृपा की है, वैसी ही सब पर करना। बोली शीतला माता की जय। अब आप सुनिए शीतला माता की अगली कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण के 7 बेटे थे। उन सब का विवाह हो चुका था। उसके किसी बेटे की कोई भी संतान नहीं थी। एक बूढ़ी माता ने ब्राह्मण को पुत्र वधुओं से व्रत करने के लिए कहा। उनकी पुत्र वधु ने शीतला माता का व्रत किया। व्रत से उसकी पुत्र वधुओं को संतानों की प्राप्ति हुई। फिर एक दिन ब्रह्माणी ने व्रत के नियमों का पालन नहीं किया। व्रत के दिन उस ब्रह्माणी ने गर्म जल से स्नान किया और व्रत के दिन भी ताजे भोजन को खाया और व्रत के बताए गए नियम व किसी भी विधि का पालन नहीं किया। यह गलती ब्रह्माणी की सभी बहुओं ने भी की। उस रात ब्रह्माणी ने भयानक स्वप्न देखा। वह ब्रह्माणी स्वप्न से जाग गई। ब्रह्माणी ने देखा कि उसके परिवार के सभी सदस्य मर चुके हैं। अपने परिवार के सदस्यों को देखकर वह शोक करने लगी। फिर धीरे धीरे उसके पड़ोसी इकट्ठा हो गए। फिर उसके पड़ोसियों ने बताया कि तुमने शीतला माता की अवहेलना की है, इसी के कारण तुम्हें भगवती शीतला का प्रकोप झेलना पड़ा है। यह सुनकर ब्रह्माणी का विलाप और अधिक बढ़ गया। वह रोती हुई अपने घर से जंगल की ओर चलने लगी। जंगल में जब वह आगे चली तो वहाँ पर उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया अग्नि की ज्वाला में तड़प रही थी। बुढ़िया ने कहा कि अग्नि की जलन को दूर करने के लिए मिट्टी के बर्तन में दही लेकर लेप करे। ब्रह्माणी ने वैसा ही किया, मिट्टी का लेप लगाया। धीरे धीरे उस बुढ़िया का शरीर ठीक हो गया।
फिर वह बुढ़िया अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई और वह शीतला माता थी। शीतला माता ने ब्रह्माणी को उसकी गलती का एहसास कराया कि तुमने ताजा खाना खाया है, इसी के कारण तुम्हारे परिवार के सभी लोग मृतक हुए हैं। यह सुनकर ब्रह्माणी को अपनी गलती का अनुभव हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी और अपने परिवार को जीवित करने की विनती की। माता ने उसे दर्शन देकर मृतकों को दही का लेप करने का आदेश दिया। ब्रह्माणी ने घर पर जाकर वैसा ही किया और ऐसा करने के बाद उसके परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे और उस दिन के बाद से ब्रह्माणी और उसका पूरा परिवार शीतला माता के व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है और बासी भोजन ही खाता है। बोले शीतला माता की जय। उम्मीद है आपको आज की कहानियाँ पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।